तो देखो क्या होता है हमारा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? देखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो क्या होती है, ए इक्वल टू क्या होता है, ए का ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। ओके, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो वो क्या कहलाएगी, इस केस में सॉरी मैट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके क्लियर, ठीक है। एंड सेकेंड जो होती है हमारे इस केस में मैट्रिक्स, ओके होती है हमारी क्या, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर, ठीक है, ये बात तो ध्यान रख लेना। इसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स, और इसे क्या बोलेंगे, स्केस मैट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके क्लियर, ठीक है। तो देखो एक बात और ध्यान रखना है कि दोनों में क्या होगा, दोनों तब इसमें क्या है, जरूरी है कि जो ए होगा ना, ये ट्रांसपोज क्या है, ए का ही ट्रांसपोज है, मतलब ए जो भी मैट्रिक्स होगी वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए हमारी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है यहाँ पे रो जितनी होगी उतनी ही कॉलम होनी चाहिए दोनों में, ठीक है, दोनों की कंडीशन है, ठीक है। ओके, एंड सेकंड बात मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि देखो क्या होता है, जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स होती है इसकी जो क्या मतलब पहचान करना, या फिर इसका जो एग्जांपल होता है, या फिर आपको इस पे जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्या मिलेगा, जैसे ए कोई भी मैट्रिक्स होगी उसमें क्या होता है कि जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको कुछ भी नंबर्स मिल जाएंगे, मतलब कुछ भी एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि 1 -2 या 3 कुछ भी मिल जाएगा। ओके, एंड अदर एलिमेंट्स जो यहाँ बच गए ना, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या कि यहाँ पे जो नंबर होगा ना वो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे वो यहाँ पे, यहाँ पे वो यहाँ पे, मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं लिख लेती हूँ -1 तो मुझे यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, -1। मैं यहाँ पे क्या लिख लेती 0 तो मुझे यहाँ पे भी 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे ले रही हूँ मैं 3 तो मुझे यहाँ पे भी 3 लेना पड़ेगा। तब ये मैं अगर ऐसी ए मैट्रिक्स होगी मेरे पास तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो ये पहचान भी कर लेना, अगर आपसे फ्यूचर में आपसे बोल दे कि ये मैट्रिक्स आप देख के बताओ कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो आपको कैसे पहचान करनी है, आपको पहचान ऐसे करनी है कि डायगोनल कुछ भी हो उसको छोड़ो, ठीक है, डायगोनल छोड़ो, अदर जो एलिमेंट्स है वो क्या सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये वाला ये इसका, ये इसका, ये इसका, मतलब क्या हो गया, ये क्या है A12 इक्वल होना चाहिए A21 A13 इक्वल होना चाहिए A31, ठीक है, A23 इक्वल टू होना चाहिए A31, है ना, इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं A12, और ये क्या है हमारा A21, ठीक है, ये हमारा क्या है A13, ये हमारा क्या है A31, ओके, ये हमारा क्या है A23, और ये क्या है हमारा A32 आएगा, ओके 3-2 है, ठीक है। तो इसका सेम ये वाला, इसका सेम ये, इसका ये सेम, ठीक है। तो क्या आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए आई जे इक्वल टू होना चाहिए AJI, ठीक है, ओनली डायगोनल को छोड़ के जो बाकी बचे वो सेम होने चाहिए, क्लियर, ठीक है। ओके देखो अब ये हो गया, क्या ये कोई एग्जांपल ले गया, ठीक है, मैं आप कोई भी ले सकते हो, इसको फॉलो करना बस, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको मैं ये प्रूव करके दिखा सकते हो, अगर इसका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करोगे तो क्या, एक का ट्रांसपोज करो, एक का ट्रांसपोज करेंगे इसका तो 1 -1 0, ठीक है, -1 -2 and 3 0 3 and 3, ठीक है, ये क्या है, एक का ट्रांसपोज कर दिया मैंने, एक का ट्रांसपोज ये आया है, और क्या करना है, ए मेरा ये है, दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल आएंगे तभी तब आपको ए इस टाइप से मिलेगा, ठीक है, क्लियर। ओके, एंड सेकंड की बात और मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि क्या होता है, जो स्केस मैट्रिक्स होता है उसमें क्या है, उसके रूल ये होते हैं, जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगी, जो मैट्रिक्स गिवन होगी आपके पास ए मैट्रिक्स, वो कुछ इस टाइप से होगी, क्या होगी, ये जो भी ए मैट्रिक्स है आपके पास, क्या ए मैट्रिक्स आपके पास है वो क्या होना चाहिए, उसका डायगोनल सबसे पहले डायगोनल देखना है, क्या डायगोनल पे मिलेगा आपको 0 0, ठीक है, क्लियर। अदर एलिमेंट्स जो बच गया, क्या
वन टू इक्वल टू होना चाहिए ए टू वन, ए वन थ्री इक्वल टू होना चाहिए ए थ्री वन, ए क्या टू थ्री इक्वल टू होना चाहिए ए थ्री टू। बट एक और कंडीशन इसमें है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, यानी अपोजिट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वन ले लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा माइनस वन, यहाँ मैं माइनस टू ले लेती हूँ तो यहाँ पे लेना पड़ेगा पॉजिटिव का टू, यहाँ पे मैं थ्री ले रही हूँ तो यहाँ माइनस थ्री लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके क्या है रूल, ये है डायगोनल क्या होने चाहिए, जीरो जीरो होने चाहिए, अदर एलिमेंट्स जो बच गए वो क्या होने चाहिए, सेम तो होने चाहिए लेकिन साइन चेंज होने चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, स्केल्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मैं ये प्रूव करके दिखा देती हूँ। ए तो मेरे पास ये है तो क्या करना है मुझे, ए का ट्रांसपोज करना है पहले, तो है ना, तो ए का ट्रांसपोज करूंगी तो क्या आ जाएगा, जीरो वन माइनस टू माइनस वन जीरो थ्री एंड टू माइनस थ्री और जीरो। ओके, फिर क्या करना है, इक्वल ये किसके होगा, ए होगा, ए लिख दो क्या है, जीरो वन माइनस टू माइनस वन जीरो थ्री एंड टू माइनस थ्री और जीरो। बट क्या हो गया, अब ये दोनों इक्वल आए, नहीं आए इक्वल, तो इसने भी बोल दिया इक्वल तो ये नहीं है, बट पहले माइनस लगाना पड़ेगा तब इक्वल होगा। तो माइनस करेंगे तो क्या, कॉमन ले लेते हैं माइनस, ठीक है, माइनस तो कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो जीरो पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, है ना, तो बाकियों पे पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव। ठीक है, आप देखो क्लियर हुआ, है ना, दोनों सेम है ना, इसने यही बोला था कि एक का ट्रांसपोज ये रहा और क्या है ए और माइनस का ए होना चाहिए, मतलब एक कॉमन ले गया मैंने तो ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो इसके क्या है, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये कौन सी स्केल्स मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो ये रूल आप ध्यान रखना। ओके, ठीक है, अब मैं कुछ और बता देती हूँ आपको, क्या इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ये इस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलती है कि स्केल्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी, क्या होगी हमारी, ए, ठीक है, और क्या होगा, प्लस ए का ट्रांसपोज, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या होगी वो स्केल्स मैट्रिक्स, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो ये भी होगी। ठीक है, एंड सेकंड जो स्केल्स मैट्रिक्स होती है उसमें क्या, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, देखो थोड़ी सेम सेम लग रही है ना, यहाँ पॉजिटिव था तो इस साइड आपके नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन क्या है इसकी प्रॉपर्टीज यही है कि प्लस होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस साइड आके माइनस कर देती हूँ तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज यही है, इसकी ये है स्केल्स मैट्रिक्स की, स्केल्स मैट्रिक्स की ये एंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की ये, ठीक है, इसकी ये और इसकी ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, देखो अब मैं एग्जांपल से बता देती हूँ, एग्जांपल से आपको क्वेश्चन मिलेगा क्या, ए कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगी, ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन होगी आपके पास और वो ये कर देगा कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज आप शो करो, शो दैट दैट ये क्या है, ये जो भी है ये वाली, ये एक क्या होगी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप पहले ये निकालो, सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये करो, ठीक है, फिर जो आएगा उसको क्या कर दो, इसमें से ये सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लूं, क्या ले लूं, बुक में ही जैसे देख लो आप, एग्जांपल आपसे दे रखा है यहाँ पे, जैसे मान लो ये दे रखा है आपसे एग्जांपल, ए दे रखा है आपसे यहाँ पे क्या, सिक्स फाइव टू फोर है, ठीक है, और आपको क्या करना है, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये करना है और ये बताना है कि ये एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है या नहीं, एंड वे इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो क्या ट्रांसपोज करते हैं तब, मतलब ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो क्या है, ए ये है, ठीक है, ये वाला शो करना है हमें, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब ये तो यही था, ठीक है, तो लिख लेती हूँ मैं इस वाले के अकॉर्डिंग लिख लेती हूँ, तो ए मेरा ये है सिक्स फाइव टू फोर, ठीक है, प्लस ए का ट्रांसपोज चाहिए तो मतलब इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या सिक्स फाइव टू फोर, ठीक है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसको करो, सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, फाइव और टू सेवन, टू और फाइव सेवन, फाइव फोर और फोर एट, क्लियर? ठीक है, अब ये वाली आ गई मेरी, अब ये वाली ये सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि मुझे पता है ये क्या है,
ये मेरा क्या आया है, ए आया है, ओके ठीक है। अब क्या है मेरा, इसका क्या करती हूँ, ट्रांसपोज कर देती हूँ। तो 12 7 7 8 ठीक है, ट्रांसपोज किया तो भी ये ही आया, और अगर बिना ट्रांसपोज के है वो भी ये, दोनों एक वाला है। तो मतलब अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये भी हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये हो रहा है, मतलब ये वाली सेटिस्फाई करने को आपको दे रखे कि इसे सेटिस्फाई कीजिए, तो अगर ये हो जाती है तो ये भी हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। एंड एक और बात ध्यान रखना, क्या कि हम जो ए मैट्रिक्स होती है, हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ए मैट्रिक्स होती है, उसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, ये वाली और ये वाली का क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है मेरे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर क्या कर देती हूँ, प्लस कर देती हूँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, क्योंकि क्या है, प्लस कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, ऐसे कर दो, ठीक है, कर दिया इसको, ये दोनों ऐड कर दी मैंने, तो खोलूंगी तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस का ए एंड प्लस माइनस माइनस ए, ठीक है। अब यहां से तो ये कट हो गया, अब एक को क्या, ए और ये दोनों इक्वल तो है नहीं, क्योंकि ए और ए क्या हो जाएगा मेरा 2a, ठीक है, और ये a है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए क्या 1/2 करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा, a by a आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप a को कैसे लिख सकते हो, a को आप लिख सकते हो 1/2 क्या, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मतलब a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस क्या होगा, a माइनस a का ट्रांसपोज स्केल्स मैट्रिक्स, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो। क्लियर, ठीक है, तो a को आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब मैं इस पे हमें क्या मिलेंगे, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना एंड थैंक